ओम श्री गणेशा नमः। फैमिली डिस्टरबेंस का कारण क्या है? आज ही वर्तमान जो फैमिली रे डिस्टरबेंस अच्छी तरह कारण कौन मो घर ओडिशा आज फैमिली के अंदर डिस्टरबेंस है, फैमिली इनबैलेंस हो गया है। हर मानव चाहते हैं कि हमें मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट देवी देवता सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान करें और आफ्टर डेथ स्वर्ग भी भेज दे, यह हर मानव चाहता है। लेकिन यह चाहत 10% लोगों को ही आज नसीब है। कुछ मानव ज्योतिषों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, हस्त रेखा मस्तक रेखा जन्म कुंडली दिखाने के लिए। तो यह कलयुग है, काला नाग तंत्र का युग है। तो यहां इस धरती पे यह कलयुग में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करना बहुत ही आसान और सहज है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ महाग्रंथ हैं उसमें लिखा हर एक मंत्र अपने आप में सिद्ध है और यह दो तत्वों से चलते हैं, जल तत्व और अग्नि तत्व से। और जिनको यह दो तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है वह 10% लोग ही आज भारत और विश्व भूमि में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान करते हैं। यह दो तत्वों के अलावा अगर आपने दूसरा कोई रास्ता अगर चुना है तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको परेशानी ही होंगे। सुख शांति माल पैसा मौनी आयु घर में किसी का अकाल मौत ना हो, आरोग्य जन्म से लेके मृत्यु तक शरीर में बीमार ना हो, यह हमारे सभी मंत्रों का खेल है। अभी हवन करके आया हूं तो लगता है थोड़ा काहला वाला कहीं लग गया हो, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हमारे इस पृथ्वी धरती पे सर्वप्रथम देवी देवताओं ने ऋषि मुनियों ने दुर्गा सप्तशती का अवतरण करवाया है और यही कारण से दुर्गा सप्तशती को कहा गया कल्प वृक्ष। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे इनबैलेंस है, घर में कलह चल रहा है, बीमारी गरीबी दिमाग काम नहीं करता। तो यह आपके 10,000 वर्ष पूर्व कोई पाप श्राप आपके साथ चल रहा है, उसे कोई निवारण कर नहीं सकता। अग्नि और जल के माध्यम से ब्लास्ट किया जाता है। जल का अर्थ है आप अपने अपने क्षेत्र में डायरेक्ट वहां उपस्थित हैं, शिवलिंग में जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक नमक चमक करवाएं और वर्ल्ड के अंदर कहीं भी यज्ञ होता हो जाना संभव है यज्ञ में जाएं। या हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के खाने का मुख है हवन अग्नि कुंड अखंड दीपक, यह खाने के मुख हैं। उन्हें मंत्र के साथ आप आहुति दीजिए या करवाएं तभी आप सुख शांति धन भोग सकते हो। मां के गर्भ में ही जब संतान पैदा होने के लिए कोशिश करता है तो राक्षसी शक्ति उनके आंख को मस्तक और मुख को बांध देते हैं, स्तंभन कर देते हैं। तो ये मुख को खोलने के लिए और मां के गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए
हमारे ऋषि मुनियों ने कहा 16 संस्कार में से एक संस्कार गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार यह बच्चा पैदा होते ही 24 घंटा वह बच्चा ऑल फैमिली मेंबर्स के नाम से कहीं भी अखंड यज्ञ करवा दीजिए, वह बच्चा का फ्यूचर तेज होगा। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। आज विश्व के 140 करोड़ लोग, विश्व में 100 जितने लोग हैं 140 करोड़ लोग अब दिन रात घर में पूजन करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में श्रद्धा और भक्ति प्रवेश कर गया है। और जिसके दिल और दिमाग में श्रद्धा और भक्ति प्रवेश हो जाता है उसे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होता। मेरा नाम सुनील अग्रवाल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, और 2001 को मुझे गॉड गिफ्ट दुर्गा सप्तशती कल्प वृक्ष चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त है। और सिद्धि पकने के लिए 20 से 25 वर्ष लगते हैं। यह दुर्गा सप्तशती यह वर्ल्ड का सबसे हाई पावर अमृत है, कल्प वृक्ष है। आज मानव आप जो परेशानी में है, मां के गर्भ से तंत्र में बंधन है, वर्ल्ड के 90% जमीन लैंड भूमि ये नाग तंत्र से बंधन है। नाग तंत्र नाग फांस को वर्ल्ड का कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता। आपने जिसे गुरु बनाया, आपने जिससे मार्गदर्शक लिया है, वह आपको धोखा दे रहे हैं। यह पृथ्वी नाग तंत्र से भरपूर है और नाग तंत्र के कारण ही इंसान बीमार होते हैं, इंसान का दिल घबराता है। आप पूजन करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। इसका कारण है 84 लाख योनियों के अंदर आप हैं और वह योनियां आपको दबा के रखे हैं। दुर्गा नवरात्रि यह कोई खुशियों का पर्व नहीं है। जो भी दुर्गा सप्तशती जानते, यह तो इतना आसान है सिद्ध करना। मेरे जीवन में मैंने बहुत मंत्र तंत्र महामंत्र खेले हैं। सबसे आसान अगर मुझे कोई पाठ अगर लगा सिद्ध करने में तो दुर्गा सप्तशती। यह श्रद्धा भक्ति नहीं है, यह सिस्टम है। येलो मास्टर पीली सरसों से सिद्ध होते हैं। आज अब तंत्र से बंधन हो 90% फैमिली, आपके बेटा बेटी कहना नहीं मानते। इसका कारण उनके साथ 10,000 वर्ष पूर्व का कोई दोष चला आ रहा है, तो यज्ञ से ही दोष ब्लास्ट होते हैं, दोष जलते हैं। जन्म कुंडली यह धोखा है। आपको बहुत धन चाहिए तो कहीं भी यज्ञ होता हो आप हल्दी दीजिए, आपको धन दरकार जो भी योग्य है हल्दी दियंतु। हमारे यह कल्प वृक्ष जो दुर्गा सप्तशती जानते हैं, तो इसमें आप यह सीखना भी चाहते हैं तो पहले इति और संपूर्ण हर अध्याय के बाद लिखा उसे काट दीजिए, और अथ देव्या का वचन में देखेगा वहां लिखा होगा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता, राजद्वारे को काट दीजिएगा और वहां यजमान के द्वारे अर्थात कर्ता के द्वारे उच्चारण कीजिएगा। तो दुर्गा सप्तशती का हर एक मंत्र अपने आप में सिद्ध है, लेकिन यह सिस्टम है, यह श्रापित है। श्राप को खोलने के लिए मां कामरूप कामाख्या देवी गायत्री महामंत्र है। किलक उत्किलन है, खोलने के लिए विष्णु का यज्ञ जरूरी है, भगवान विष्णु। चेन में बांधा गया है दुर्गा सप्तशती को, खोलने के लिए शिव जी का रुद्राभिषेक, नमक चमक अखंड यज्ञ। यह जो महाग्रंथ है यह कल्प वृक्ष है। इस महाग्रंथ से ही हमारे हिंदू सनातन धर्म के हर एक वेद शास्त्र का जन्म हुए है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद भी इस महाग्रंथ से ही पैदा हुए हैं। अगर कोई चैलेंज करता है तो प्रमाण करने का ताकत रखता है। पाप नाश
अब तो 10,000 वर्ष पूर्व कोई पाप कर्म किए हो, साथ चल रहा है विथ बैंक इंटरेस्ट के जैसे साथ चल रहा है। देते जान से सुननापुरी या जगत सा घंटा पात उन्हों देवी पाप भ्यन स्तन तो स्वाहा। रोग चल रहा है आपके साथ 10,000 वर्ष पूर्व बीमारी को दोष के कारण बीमारी उत्पन्न होते हैं। रोगाने शेषा न पहन त्रिष्टा, धन का कमी है दुर्गे स्मृत हर से वित्त में शेष धन, तो आपका धन बंधन है। तो आज आपका जो दिल घबरा रहा है धन शुद्धिकरण नहीं है। धन शुद्धिकरण जल और अग्नि के माध्यम से होते हैं, कोई दान देने से कोई धन शुद्धिकरण नहीं होता। दान हम देते हैं कोई मंदिर निर्माण में तो वह हमारे पूर्व जन्म के कोई दोष हल्का होते हैं। यह महाग्रंथ एक ऐसा महाग्रंथ है यह अग्नि में तपाया जाता है, इसका पाठ कोई भी मंदिर में अनुष्ठान में नहीं होते। जितना ज्यादा आप तपा सको यह महाग्रंथ में ऐसे शक्ति आपके आत्मा में भर जाएंगे जो कि आपके सम्मुख यह धरती के अदृश्य जो कि इच्छाधारी नाग और नागिन भी अगर आपके नजदीक अगर आ जाते हैं तो वह इच्छाधारी नाग और नागिन का मुख बंद हो जाए। इतना शक्तिशाली है रक्षा शत्रु विसाचनागा शिष्य स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातनी। दुर्गा देवी मंदिरों में यह नवरात्र अनुष्ठान किया जाता है, उसका सिस्टम होते हैं। यूं नहीं कि पंडितों को बुला के ले आए बिठा दिए 9 दिन पाठ हो गया पूर्णाहुति खत्म वह अनुष्ठान राक्षस शक्ति मंत्र उठा के ले जाएंगे। 84 लाख योनि यह नवरात्र में देवी दुर्गा के मंदिर के चारों तरफ रहते हैं। जब मंदिर कमिटी और पंडित रात को सोने के लिए चले जाते हैं तो प्रवेश कर जाते हैं देवी मंदिर में और आपका पूजन तरंग को उठा के ले जाते हैं। यह दुर्गा सप्तशती शनिवार को अगर कोई हवनात्मक अगर करे 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती पाठ का उसे ऊर्जा प्राप्त होता शनिवार को। अब पीली सरसों येलो मास्टर त्रिशूल से सिद्ध होते हैं, ये श्रद्धा भक्ति से कोई मंत्र कनेक्ट नहीं है। आपके शादी के अनेक वर्ष बाद आपको विवाह के बाद बच्चे नहीं हो रहे, बेटा नहीं हो रहे, 24 घंटा कहीं भी अखंड हो यज्ञ वहां पति पत्नी आहुति दीजिए। काल सर्प दोष जितने लोगों को भी लगे हुए हैं यह शिवलिंग से और दुर्गा सप्तशती से ही हटेंगे काल सर्प दोष। आप सोचो किसी मंदिर में जाएं पूजन कर दें हटना है नहीं। घर कलह 24 घंटा यज्ञ में पति पत्नी आहुति दीजिए 24 घंटा अखंड यज्ञ 2-3 घंटा भी आहुति दीजिए। धन बंधन है मानव का आज, आज मानव दो ही सामग्री के ऊपर डिपेंड है, या तो नौकरी या व्यापार। व्यापार बुरा हाल, नौकरी जीरो। तो ये जल और अग्नि तत्व से आप प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली जहां दिखाओगे वही फंसोगे। घर में कैसे जल्दी जल्दी धन आए, लोग टीवी को देखते हैं और कोई यंत्र खरीद लेते हैं, कोई यंत्र काम नहीं करेगा। आज हम टीवी प्रवचन के बाबाओं को सुनते हैं तो वह जो है लोगों को धोखा देने का रास्ता बताएंगे। तो हमने एक आचार्य को कहा कि क्या कर रहे हो आपके शिष्य के साथ, बोले ये शिष्य को हमने बेवकूफ बना के रखा है तभी हमारा चातुर्मास चल रहा है, तभी हमारा गोचरी सेवा चल रहा है। तो मैं बोला कब तक बेवकूफ बना के रखोगे इनको, बोले जीवन भर। मैं बोला कैसे, बोले इसके अंदर या परिवारों के अंदर हमने ऐसा भय भर दिया है या हमें छोड़ ही नहीं सकते। एक आचार्य के मुख का शब्द बोल रहे हैं। आपने जितना भी प्रवचन कथा सुना है इच्छाधारी अदृश्य नाग नागिन के बारे में कोई बोल ही नहीं सकते। आपके जीवन में दुख संकट समस्या है, हमेशा चलते फिरते सोते नहाते रात को सोते सोते भी गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, आपके मां के गर्भ से आपका जो मुख बंधन है वह खुलेंगे।
अपने क्षेत्र के शिवलिंग से डायरेक्ट जॉइंट होइए, जल चढ़ाइए। शिवलिंग शिव जी या अग्नि तत्व से प्रसन्न होते हैं, वहां अखंड दीपक जलाइए सरसों तेल का, वहां यज्ञ करवाइए 24 घंटा। 25-25 वर्ष हो गया जो शिव जी के भक्त हो आप, आपने जीवन में 25 वर्ष में एक भी यज्ञ नहीं करवाए हैं, और आपको अगर पूछे तो बोल रहे हो आपके हम शिव जी के भक्त हैं। यूं ही कोई भक्त नहीं बन जाता। दुर्गा सप्तशती मेरे आत्मा में 2001 को सिद्धि है। हम जिस पुराने घर में रहते थे, हमारा व्यापार बहुत था, फिर भी घर में 1 रुपया नहीं टिका, क्योंकि हम जिस घर में रहते थे पुराने घर में, अब तो हमने बेच दिया है, वह घर नाक फांस से बंधन था। दुर्गा देवी से मैं डायरेक्ट 96 से बात करना शुरू, आज तक भी बात करता। तो दुर्गा देवी स्वयं बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी के पूर्व जन्म के एक ऐसे कर्म हैं जो कि पूर्व जन्म का कर्म, 10,000 वर्ष का कर्म तुम्हारे पिताजी के साथ चल रहे हैं, और यही कारण से तुम्हारे पिताजी नाक फांस जमीन में रहते हैं, और जब तक ऑल फैमिली मेंबर्स हम उस पुराने घर में रहे, 1-1 रुपया के लिए हमें भी तकलीफ भोगना पड़ा। फिर कई बार मैंने दुर्गा देवी को कहा कि माँ भगवती भवानी रास्ता खोलो, शिव जी का तो मैंने बहुत पूजन करवाया। उसके बाद शिव जी बोले, यज्ञ करवा गौरी शंकर मंदिर में, तभी तेरे पिता के पूर्व जन्म के कर्म जो है चलेंगे। यज्ञ हमने करवाया गौरी शंकर बाबा शिव मंदिर परिसर में, अखंड दीपक जलवाए और आवारा कुत्ता खाने के लिए। उसके बाद देवी प्रसन्न हुई, दुर्गा देवी भवानी। 2006 को देवी के मुख से निकला, बेटा तू विष्णु का यज्ञ करवा। तो आज के दिन में आप लोगों को यज्ञ करवाना संभव नहीं है, वर्तमान समय में आपण मानों को द्वारा यज्ञ हवाटा संभव नुह। आप अपने बच्चों को पढ़ाई में तेज करना चाहते हैं, लिटिल एंजल स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, कितना पैसा खर्चा होता है साल में? आपके 2 बच्चे हैं, आप साल में कितना पैसा खर्चा करते हो ट्यूशन में, स्कूल में? मिनिमम 1,00,000 रुपया खाली ट्यूशन ही पकड़ लो, आप साल में 25,000 रुपया ट्यूशन के लिए खर्च करते हैं। वैसा 25,000 रुपया 5 फैमिली आप मिला लीजिए, ब्राह्मण देवता को बुलाइए और वर्ष में एक बार 24 घंटा यज्ञ करवाइए। यज्ञ का मौसम होता है या गणेश पूजा से लेकर ठंड के महीने में, जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियां भटकते हुए मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है। यूं ही स्वर्ग मिल जाए आपको, स्वर्ग जिसके आत्मा को भेजना हो तो यह दुर्गा सप्तशती या महाग्रंथ जिसने सिद्ध किया है उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा, अन्यथा राक्षसी शक्ति 1,00,000 वर्ष तक बांध कर रख देंगे। आपका बेटा का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी का विवाह नहीं हो रहे, शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, विवाह पर संतान हो नहीं, तो 24 घंटा हमारा जहां अनुष्ठान चलेंगे वहां आप अपने बेटा या बेटी को अगर संभव हो तो भेजिए। और जिनको बेटा नहीं हो रहे हैं, जाकू पुओ झियो हो नहीं, अमर 24 घंटा यज्ञ रे आप उपस्थित रहंतु, पैसा खर्चा हब, मांगना रे कौन सी यज्ञ हुए नहीं, आहुति दियंतु सेम 1 ईयर्स रे आपन को संतान प्राप्त हो। 24 घंटा वर्तमान हमर 24 घंटा 21 सेप्टेम्बर समलपुर पाखरे बरगड़ रहे, आपन जीवार संभव बरगड़ जानतु, आ भुवनेश्वर राजधानी रे जदि कहबे 5 फैमिली जदि मिसिबे हेले 24 घंटा यज्ञ हब। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते ही प्राण प्राप्त करके चलने लगता है। जन्म कुंडली तो ये धोखा है, आपका कमर दर्द है, घुटना दर्द है, ये मूलाधार चक्र में भूत प्रेत राक्षस शक्ति इतने छोटे छोटे होते जमा हो गए, पेट दर्द दे रहा है, गैस्ट्रिक हो गया है। तो हमने तो 96 में भी कहा था मंदिर कमेटी को कि आपके नवरात्रि गलत सलत हो रहे हैं, दुर्गा देवी मंदिर यह तो अग्नि तत्व है, जो आया उसका नाम शामिल कीजिए, जो ना आ सका व्हाट्सएप में भी नाम दे उसका शामिल कीजिए,
मृत्यु के मुख से बचा दे यज्ञ देवता। जमीन में रहने वाला इंसान बिल्डिंग में रहेगा, शरीर लोह पुरुष बन जाएगा। मैंने तो 10 लाख 20 लाख इच्छाधर नाग नागिन से मैंने खेले हैं बचपन में, किसके शक्ति से? दुर्गा सप्तशती कनेक्टेड देवी देवताओं के शक्ति से। आप हिम्मत मत हारे, वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, जैसा भी प्रॉब्लम हो, किसी के चक्कर में मत पड़े। जल और अग्नि देवता, हमारे 33 कोटि देवी देवता को अग्नि देवता चलाते हैं। यही कारण से जब भी कोई मंदिर प्रतिष्ठा होता है तो अग्नि देवता के यज्ञ से उत्पत्ति देवी देवता को ही मूर्ति के अंदर प्राण को प्रतिष्ठा किया जाता, रखा जाता है। तो हमारे सभी देवी देवता अग्निमुखी हैं, चाहे वह शिव जी हो, चाहे गायत्री हो, दुर्गा देवी हो, महाकालिका देवी हो। आप अपने परिवार के नाम से हवन यज्ञ अग्नि में कुछ भी डलवाएंगे, वह रिटर्न आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। तो अभी हमारे यज्ञ है 21 तारीख सितंबर, आमापाली बरगढ़, आमापाली चौक शिव मंदिर में, क्योंकि हमारे जितने भी हवन यज्ञ के मंत्र आहुति देते हैं रिफाइनरी के लिए शिवलिंग के अंदर ही प्रवेश करते हैं। तो वह यज्ञ में जिसको जाना संभव हो जाइए, और जिसका नाम वहां शामिल करवाना हो मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिएगा, मुझे कॉल मत कीजिएगा। आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखिए, स्कूली ज्ञान से बच्चे पढ़ाई में इतने तेज होंगे, विद्वान नहीं बन पाएंगे, संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। आज घर घर में कलह है, सास बहू का नहीं पढ़ता, पति पत्नी का नहीं पढ़ता, ये श्रापित है। ये श्रापित को यज्ञ से आप जलाइए। श्राप लाखों वर्षों तक चलता है मानव के। मैंने जीवन में किसी इंसान को गुरु नहीं बनाया, मेरे गुरु जी हैं अखंड दीपक, कुल देवी देवता पितृ देवी देवता किसी का भी, सरसों तेल का अखंड दीपक श्रेष्ठ रहता। आज तक मैं किसी दुर्गा देवी मंदिर का सदस्य नहीं हूं, फिर भी दुर्गा सप्तशती मेरे आत्मा में 2001 को सिद्ध है। मेरे खुद के 4 मंदिर हैं उड़ीसा में, अखंड दीपक जलते रहते हैं, जो दिया नाम तेल दिया उसके जलते रहते हैं अखंड दीपक। तो आपको धर्म के नाम से, ज्यादातर भारत के महिला और बेटियों को धर्म के नाम से गुलाम बनाया गया है। महिला बेटी धर्म के नाम से दूर रहे। जल तत्व और अग्नि तत्व आपके साथ अगर मिल जाए न्यूट्रल फेस, सूर्य की तरह आप चमकदार बन जाओगे। बीमारी गायब, घर सुख शांति, धन धन का बारिश हो जाता है यज्ञ देवता। निकाल के देखिए आप वेद शास्त्र, आपके रिश्तेदारी में किसी को बेटा या बेटी नहीं हो रहे हैं, गर्भ बंद गए हैं, गर्भ बंधन हो गए हैं, मेरे व्हाट्सएप से उनको बोले चैटिंग कीजिएगा, 100% 1 ईयर में बेटा तेजस्वी होंगे।